दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे द 100 वुमेन मैच के बारे में, जो कि यहाँ से खेला जाएगा वेल्स फायर वुमेन वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल वुमेन्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप भी कराए। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव इलेवन ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव इलेवन आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी भाई नए हमारे चैनल पे पहली बार आए तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस चैनल को लाइक कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और सेकंड आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों ये दो छोटे से काम आप कर सकते हो। अगर आप लाइक करोगे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा तो कटने वाला नहीं है दोस्तों, बल्कि मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा। और आपको पता है जब भी अच्छा करने का मौका मिले ना तो अच्छा करना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ, ये तो है नहीं कि आपसे कोई पैसा कमा रहा हूँ मेरे भाई। चैनल मेरा अच्छा है, मोनेटाइज है मेरा चैनल, बट मैं ऐड लगा सकता हूँ और महीने के लाखों रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन वो काम मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि ऐड लगाऊंगा लोग परेशान होंगे, ऐड आएंगे, फालतू में कोई मतलब नहीं है। तो यार जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो छोटा सा काम, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में सबसे पहले हम बात करें एलनर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, 100+ रन करें, लेकिन भाई इस टूर्नामेंट में इनका बैटिंग ऑर्डर अगर मैं बात करूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 8 रहने वाला है, जो कि काफ़ी नीचे हो जाता है, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखूँगा। यहाँ पर ब्रायस को जरूर आप रख सकते हो, यह आपको नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगी, तो अच्छी है, अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, 160+ रन करे, आपके लिए एक मस्ट ऑप्शन है, आप ब्रायस को अपनी टीम में बड़ी आसानी से लेके चल सकते हो। बैटिंग के बारे में बात करें, डंकली का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इनके बारे में बात करें दोस्तों, डंकली का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो है डाउटफुल लग रही है दोस्तों, ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी अगर खेलती है तो मैं आपको इनका पहले तो स्टेट्स बता देता हूँ, ताकि जो है चीज़ें क्लियर हो जाए। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं इनके परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, तकरीबन यहां से जो है 70+ इन्होंने रन करे हैं, बॉलिंग ये करवाती नहीं है। वहीं ईलम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, आपको ओपन करते हुए नज़र आने वाली है। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तकरीबन 70+ इन्होंने रन कराई, ये कभी कभी बॉलिंग करवा के आपको दे सकती है। लॉरा वॉलवर्ड के बारे में बात करें, भाई तगड़ी प्लेयर है, ऐसी प्लेयर है जो जल्दी से अपना विकेट नहीं गंवाती, 10 में से 8 मैचेस में आपको परफॉर्म करके देती है। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, 90+ इन्होंने रन करे, वॉलवर्ड को ज़रूर अपनी टीम में रख लीजिएगा। तेमी आपको ओपन करते हुए नज़र आएगी, और रीसेंट फॉर्म भी इनकी अच्छी चल रही है, काफ़ी रन बना के आ रही है रीसेंट में, भाई इनको ज़रूर रखिएगा। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है, तकरीबन दोस्तों 180+ रन इन्होंने करे रीसेंट के 5 मैचेस में, मुझे लगता है आप इनको आसानी से अपनी टीम में लेके चल सकते हैं।
वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें जो आपको यहाँ पे खेलते हुए नजर आ सकते हो, जिनको आप अपनी टीम में आसानी से लग सकते हो, मुझे कोई खास ऑप्शन तो लग नहीं रहा दोस्तों। आप क्या कर सकते हो, फिलहाल तो वॉल्वर और टैमी को अपनी टीम में लेके चल सकते हो, बाकी डंकली खेलेगी तो हम ट्राई कर लेंगे। फिलहाल तो दो मेरे बैट्समैन रहने वाले। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, डॉट इन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब डॉट इन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ये नंबर 4 खेलेगी और बॉलिंग भी करवाएगी। ये वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर है दोस्तों और तगड़ी ऑलराउंडर आप बोल सकते हो। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, 120 प्लस रन करे है बैटिंग से। बॉलिंग लास्ट 5 में से सिर्फ एक ही मैच में करवाई जिसमें 0 विकेट निकाले, लेकिन बॉलिंग ये वैसे करवाती है दोस्तों, आप इनको रखिए। हैली मैथ्यूज कैप्टन के लिए सबसे तगड़ी चॉइस, नंबर 1 मैं आपको बोलूँगा, जो हमेशा आपको 10 में से 8 मैच में परफॉर्मेंस करके देती देती है। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें, हेली मैथ्यूज के बारे में ओपन करते हुए नजर आ जाएगी, प्लस बॉलिंग भी करवाएगी। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूं, लास्ट 4 मैचेस के बारे में ही अगर मैं बात करूं, 140 प्लस इन्होंने रन करे बैटिंग से, और बॉलिंग से अगर मैं बात करूं रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में दोस्तों, 10 विकेट इन्होंने निकाले, आपके लिए एक मस्त ऑप्शन हो जाता है, आप इनको आसानी से रख सकते हो। के ब्राइस के बारे में अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, क्या इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, देखिए बैटिंग ऑर्डर में भी आपको थोड़ा सा जो है नीचे नज़र आ जाए के ब्राइस का। बॉलिंग से बात करें, रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में 7 विकेट इन्होंने निकाले, प्लस बैटिंग आती है तो करके आपको दे सकती है, ऐसी बात नहीं है कि बैटिंग नहीं करेगी। वहीं ग्रिफ्ट के बारे में अगर हम बात करें, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, क्या इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है रीसेंट का। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो लास्ट 5 में से 4 मैचेस में इनकी बैटिंग आई है, जिसमें इन्होंने दोस्तों तकरीबन 130 प्लस रन करे है बैटिंग से, और बॉलिंग से अगर मैं बात करूं 4 विकेट इन्होंने निकाले। अगर आप इनको रखते हो तो देखो, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो रखिएगा, वैसे बैटिंग ऑर्डर इनका आपको नंबर 6 पे नज़र आ सकता है। बाकी अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें जो आपको इस मैच में खेलते हुए नज़र आने वाला है और जिनको आप आसानी से अपनी टीम में रख सकते हो, यहाँ पे एफ मॉरिस का आपके पास ऑप्शन है, और मुझे लगता है ये आपको खेलते हुए नजर आ जाएगी दोस्तों, एक गेम चेंजर आपके लिए बन सकती है। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, 4 विकेट इन्होंने निकाला है, और बैटिंग से भी अगर मैं बात करूँ तकरीबन दोस्तों इन्होंने 90 प्लस रन करे। अगर ये खेलती है ग्रैंड लीग में, कैप्टन ठोक दीजिएगा, वहाँ आपको जो है गेम चेंज करके दे सकती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वहीं जॉर्जिया लुइस के बारे में बात करें, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करूं तो तकरीबन 5 विकेट इन्होंने निकाले बॉलिंग से, और बैटिंग से अगर मैं बात करूं रीसेंट के 4 मैचेस के बारे में दोस्तों, तकरीबन 80 प्लस रन इन्होंने करे, तो आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो, आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस देख रहे हो तो भाई अच्छा ही है परफॉर्मेंस। वहीं के जॉर्ज के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, रखना है नहीं रखना, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। रीसेंट के 4 मैचेस के बारे में बात करें, जॉर्ज के 9 विकेट इन्होंने निकाले बॉलिंग से, और बैटिंग से अगर मैं बात करूं 140 प्लस रन करे, भाई तगड़ा इनका परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखो, ऐसे ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन ना के बराबर है, लेकिन ये प्लेयर की परफॉर्मेंस देखो क्या तगड़ी रही है। तो इसलिए बोलता हूँ भाई, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ज़रूर आप विन कर सकते हो इस वीडियो को देख के। फिलहाल मैं के जॉर्ज को अपनी टीम में जरूर लेके चलूंगा, और अभी के लिए 4 मेरे ऑलराउंडर रहने वाले हैं। बॉलिंग के बारे में बात करें, सोफी का आपके पास एक मस्त ऑप्शन होने वाला है भाई, हमेशा आपको विकेट निकाल के देती है, हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन ठोक सकते हो। रीसेंट के अगर मैं 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, तकरीबन इन्होंने जो है ना 8 विकेट निकाले, लेकिन अगर मैं इनके बारे में बात करूं, ये बैटिंग भी करके दे सकती है, तो आप इनको बिल्कुल रख सकते हैं। वेलिंगटन के बारे में अगर मैं बात करूं, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर इनका हो जाता है कई बार, बाकी बॉलिंग में कमी नहीं आएगी। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं, इन्होंने भी 10 विकेट निकाले, आप इनको भी बड़ी आसानी से लेके चल सकते हो। वहीं यहाँ पे एल जैक्सन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैक्सन तो भाई डाउटफुल है, ये शायद नहीं खेलेगी। बाकी सोफिया इस्माइल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ओपन और डेथ में आपको बॉलिंग डाल के देती है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, रीसेंट के 5 मैचेस में तो 3 विकेट निकाले, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इनको ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, स्मॉल लीग में तो चलिए मत ड्रॉप करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी डेविस के बारे में बात करें दोस्तों, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, खेलते हुए नजर आने वाली नहीं, तो भाई इनका भी मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये भी आपको इस मैच में नहीं नजर आने वाली। बाकी आपको जो यहाँ पे नजर आ सकते हैं, एफ डेविस आपको नजर आ सकती है दोस्तों,
इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में 60 विकेट इन्होंने निकाले, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हार्टली भी आपको नज़र आ सकती है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, क्या इनका रीसेंट का परफॉर्मेंस है, लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, सिर्फ 3 ही विकेट अभी तक इन्होंने निकाला है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर यहाँ से हम बात करें सी निकोलस के बारे में, ये भी आपको इस मैच में खेलते हुए नज़र आ सकती है, लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट निकाले, परफॉर्मेंस जो रहा है वो थोड़ा सा डाउन रहा है। वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में हम बात करें जो आपको खेलते हुए नज़र आ सकता है, तो मुझे कोई खास ऑप्शन तो नहीं लग रहा, एम गौर जरूर आपको इस मैच में खेलते हुए नज़र आने वाली है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में, तो सिर्फ यार 2 ही विकेट इन्होंने निकाला है, ये इनका परफॉर्मेंस रहा है रीसेंट का। फिलहाल तो मैं जिनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ, सोफी लेक्शन, वेलिंगटन, 2 मेरे बॉलर रहेंगे। अब ऑलराउंडर में मैं आपको 1-2 प्लेयर फिर से बताता हूँ, अगर आप भूल गए दोस्तों, नहीं रख पा रहे, देखो यहाँ पे जॉर्जिया लुइस आपके लिए मस्त ऑप्शन है, ग्रैंडली खेल रहे हो, इस प्लेयर को जरूर रखिएगा, क्योंकि ये गेम चेंजर आपके लिए बन सकती है, हो सकता है नंबर 4 पे भी बैटिंग कर ले, तो वहाँ पे आपको रन बना के देके चल सकती है दोस्तों। बाकी अगर यहाँ से ग्रिफ्ट भी खेलती है, देखो ये भी एक अच्छी प्लेयर है, इनको भी आप ज़रूर अपनी टीम में लेके चल सकते हो अगर खेलती है भाई। इनका परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं दोस्तों जिनका सिलेक्शन तो कम होता है, लेकिन भाई इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत बड़ा होता है, तो आप इनको भी रख सकते हैं दोस्तों, स्टेट्स मैंने आपको बता ही दिए पहले। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, देखो हैली मैथ्यूज एक अच्छी ऑप्शन है कैप्टन के लिए, आप इनको कैप्टन कर सकते हैं। और वाइस कैप्टन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखो यहां से मैं फिलहाल तो डॉट इन को कर रहा हूं, लेकिन इनके अलावा सोफी एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये विकेट निकाल के आपको दे देगी। बैटिंग में अगर किसी के साथ जाना चाहते हो, तो वॉलवर्ड और टैमी के अलावा मैं किसी को सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ। टीम के प्रिव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ये हमारी टीम का प्रिव्यू है, आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो, तो माई फैव 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो बस माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़िएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।